कहते हैं कनेडा जाने का कोई फायदा नहीं, कैनेडा नौकरियां नहीं मिलदियां, छे छे महीने पहला जो गए उन्होंने हजे तक नौकरियां नहीं मिली। की सच है? तुम तो हजे तक बच्चों बाहर भेजी जाते हो, फ्यूचर न खिलवाड़ कर रहे हो उन्होंने। ये इन्नी रियलिटी हो, बच्चे उतों वापस आने शुरू हो जाए। बच्चे किन्ने कर रहे हैं? जिन्हें बच्चे जा रहे हैं 5% भी वापस नहीं आ रहे। जो बंदा काम करने विलिंग है वो वर्ल्ड कितने भी चल जाए उन्होंने काम मिलता है, काम ना मिलने की कोई गल नहीं है। बाकी जो बंद ने काम नहीं करना इतने भी बड़ी जनता देखोगे वेली बैठी। मतलब तुम ये कहना चाहते हो जो इतने वेले होंगे है उ जाके रोंद पिटते ज्यादा? बिल्कुल सर बिल्कुल। देखो 5-10% लोग हर जगह इदा के होंगे ही है, जिन्होंने आप काम नहीं करना तो उदा भंडी जाते। पढ़ाई खत्म करदिया बावजूद खत्म करदिया ही बच्चा आराम न $2,500-3,000 महीने का कमा लैंदा। जे एक्सपेंसिज कढ़ के भी वो एटलीस्ट $1,000-1,500 स्टार्टिंग तो ही घर भेज सकता, $2,500 कमा लैंदा। पर इतों भी वो बच्चा 25 लाख के करीब ला के गया, 20 या 25 लाख रुपया ला के कोई भी बच्चा इतने बिजनेस स्टार्ट करे, इस चीज़ की की श्योरिटी है वो साल बाद या 2 साल बाद 1.5-2 लाख महीने का कमा लग जाएगा? नहीं है। बाहर जाके बच्चों को पता मैं लेबर भी कर ली, मैं कोई भी जॉब कर ली, मैं महीने का 1-1.5 लाख, 2 लाख रुपया आराम नाल महीने का अर्न कर लवा। उत्थे आपां मिनीमम वेज के अकॉर्डिंग भी गल करिए तां वी बच्चा महीने का $2,500-3,000 कमांदा। पैसे वीजा लगन तो बाद ठोके करने हैं, तुसीं साडे ऑफिस एक निक्का पैसा नहीं लैके आना, ना सानू एक निक्का पैसा देना। जिस दिन तुहाडा वीजा आजूगा सानू सारे पैसे उस दिन दे दी। इंटरव्यूज दे विच बड़ियां सोहणियां लगदियां, पैसा वीजा लगन तो बाद ट्यूशन फीस भी नहीं भरांगे, ते जे अगले दी रिफ्यूजल आ जांदी है फिर कुल जी बिल्कुल घाटा तुसीं अपने वालों खांदे हो सर। सिर्फ कहिंदे नहीं है, करके दिखाने साडे पेज ते हर तरीके तां सक्सेस स्टोरी मिलेगी। साडे कोल किसी भी एज का बच्चा आ जाए जे उन्हें हले अपना अपलाई नहीं किया कैनेडा का, असी टूरिस्ट वीजा अपलाई करांगे, असी एक निक्का पैसा भी उहदे कोलों पहला नहीं लवांगे, ना ही सी लैंदे। टूरिस्ट वीजे दे तुसीं पैसे नहीं लगदे? बिल्कुल जी। पर उहदा तां कहा जांदा वी लगे ना लगे उह तां चलो वी इक तुक्का ही है, सक्सेस रेट उहदी कहिंदे खास हुंदी नहीं, इक तुक्का बस लग गया तां लग गया। साडा टूरिस्ट वीजा का नॉर्मली सक्सैस रेट 90% तो उपर है। ईवन कि जो यंग एज के बच्चे है लोग कहते इन्हों का वीजा लग ही नहीं सकता, लगता ही नहीं। साडा उन्होंने सक्सैस रेट 100% है लास्ट 2 मंथ्स, साड़ी कोई रिफ्यूज नहीं हैगी। जो लास्ट मंथ असं 8 वीजे अपलाई किए हैं, 8 के 8 ले है। प्लस टू की 8 साल हो गए, 2015 ऑनवर्ड्स जो मर्जी प्लस टू की है साढ़े को आ जाए। ओवरऑल आईएलटीएस 6 बैंड चाहिए है, भावें 3 मोड्यूल 5.5 है, 1 च 5 है, 1 च 4.5 है। अकैडमिक मार्क्स घट है, सिर्फ 50% है, इन्ना लंबा गैप है, उसके बावजूद भी असी फाइल एक्सैप्ट करांगे, नाल सारे पैसे आफ्टर वीजा लवांगे। तुसी 10 साल का कहता भी गैप, फिर तो कोई सर्टिफिकेट जाली सर्टिफिकेट बनवाते हो? वर्क एक्सपीरियंस, बच्चा वेला थोड़ी बैठा, कुछ ना कुछ कर ही रहा ना, जो काम कर रहा है वो डॉक्यूमेंट लगेंगे ना, वो लगा के वीजा अपलाई करांगे। जे 6 बैंड आया तो वीजा नहीं लगना, जे 1 च 5.5 आया तो वीजा नहीं लगना, इन्ने 10 साल का गैप है, इन्ना तो हाथ खड़े कर जाते। उत्ता उल्टा यह गल कह देंगे जेडे तुम इन चीज़ों बारे कहते हैं वो जरूर ठगी मारते हो गए, थोड़े कई यार दोस्त मतलब थोड़े आस पास के लोग। एक चीज़ समझाओ, जब आप पैसे लेने ही नहीं, पैसे लेने के बाद कि ठगी मार ली। साडा सक्सैस रेट 100% है, लास्ट कुछ महीनों असी कोई एक सिंगल रिफ्यूजल नहीं ली, सारे वीजे ले। कहते या तो गरंटी जोड़ा है या गोड दे सकता या फ्रॉड दे सकता। मेडिकल दे पैसे भी तू ना भर, बायोमैट्रिक दे भी ना भर, ट्यूशन फीस भी ना भर, GIC भी ना भर, होर दस की रह गया। घट बजट दे विच भी कोई व्यक्ति जे बाहर कोई बच्चा जिहड़ा बाहर जाना चाहुंदा तां उह जा सकदा? बिल्कुल जी, असी घट बजट दे विच बच्चे दा बहुत वधिया फ्यूचर बना सकते। सिर्फ 4 लाख रुपये ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस भी वीज़ा लगने तो बाद देनी है। असी शेनिगन का स्टडी वीज़ा लेते हैं, शेनिगन के 27 कंट्रियाँ आदि हैं, बच्चा पढ़ के जिहड़े मर्जी कंट्री सैटल हो सकता, जिथे मर्जी पढ़ सकता, उस तो बाद सैटल हो सकता।